गत 27 सितंबर को बयाना टंकी पर चढ़ने के बाद 28 को वार्ता हुई और उसके बाद अगली वार्ता 3 अक्टूबर को प्रस्तावित थी जो नहीं हुई और आज 4 को भी वार्ता नहीं हुई। सरकार समझौतों के नाम पर और वार्ताओं के नाम पर एमबीसी समाज को भटका रही है। 1 फरवरी 2018 के बच्चे लगभग 5 साल से भटक रहे हैं। इनको ना तो नियुक्ति मिली, इनको केवल समझौते मिले और वार्ताएं मिली, इनके अलावा कुछ नहीं मिला इनको। अगर आप इनके साथ न्याय नहीं हुआ तो ये समाज और ये बच्चे एक बड़ा कदम उठाएंगे। सत्ताईस तारीख को टंकी पर चढ़ने के बाद हमें कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला है, सरकार ने हमारी कोई बात नहीं सुनी है। हम सिकंदरा धरने पर बैठे हुए अनिश्चितकालीन और हम तभी जाएंगे जब हमको नौकरी मिल जाएगी, वरना हम जाने वाले नहीं है यहाँ से। और अगला कदम कुछ भी हो सकता है, पटरी, टंकी, रोड जाम, कुछ भी कर सकते हैं हम। आज यहाँ सभी लड़के 372 की नियुक्तियों को लेकर पिछले 4 साल से संघर्ष कर रहे थे। उस संघर्ष का आखिरी पड़ाव कह सकते हैं क्योंकि 5 साल पूरे होने जा रहे थे कांग्रेस सरकार को, पर अभी तक कांग्रेस सरकार ने जहाँ तक गुजरों को जो इग्नोर किया है वो कतई बर्दाश्त के योग्य नहीं है। इसलिए मैं राजस्थान की सरकार से कह देना चाहता हूँ कि ये आखिरी टाइम है। गहलोत साहब बहुत कहते हो आप कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देता देता नहीं थकूँगा। मैं गुजर समाज की ओर से 372 युवाओं की ओर से मांग करता हूँ 372 नियुक्तियों को जल्दी से जल्दी निपटा कर इन युवाओं के भविष्य के लिए आप ये निर्णय दें। हमारे जो समाज के गणमान्य लोगों के साथ आपकी जो वार्ता 28 तारीख को हुई थी, जिसका परिणाम आप 3 तारीख को देने वाले थे, वो आप स्थगित है। ना आज वार्ता हुई है 4 तारीख को, ना 3 तारीख को वार्ता हुई है। मैं सरकार से कह देना चाहता हूँ ये जो आपका एक द्वेषपूर्ण रवैया है जो गुजर समाज के साथ, वो बिल्कुल बर्दाश्त के योग्य नहीं है। या गुजर समाज का ये शहीद स्मारक सिकंदरा से हम सभी लड़कों की ओर से मैं कह देना चाहता हूँ, अगर सरकार अब भी नहीं चेतती है तो आने वाले कल यानी कि कल या आज हम यहाँ से कोई भी मूवमेंट कर सकते हैं। वो रोड जाम हो सकता है सिकंदरा शहीद स्मारक से, या फिर पटरी का भी कदम हो सकता है, या फिर जिस प्रकार से हमारे युवाओं ने टंकी पर चढ़कर सरकार की ओर आक्रोश जताया था वो दोबारा से पुनः दोहराया जा सकता है। मैं सरकार से बस इतना ही निवेदन करना चाहूँगा, इन 372 युवाओं की पीड़ा समझें और इनकी नियुक्ति देने का काम करें। अंततः आने वाले चुनाव में कांग्रेस सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कर्नल बैसला अमर रहे, 72 वीर शहीदों की अमर रहे, 72 वीर शहीद अमर रहे।